नमस्कार, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के काछवा रोड से, जहां पर करियाने की दुकान बताई जा रही है जिसमें एक भयंकर आग लग जाती है। आप देख सकते हैं ये तमाम कॉपियां आपको नजर आ जाएगी और किस तरीके से जो है ये जल चुकी है, सारा सामान जल चुका है। जो अंदर जो है सामान था, जो सामान रखने के लिए बोर्ड आदि लगाए हुए थे, वो सब जले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची और अंदर आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि शटर जो है वो बंद था और जो प्राथमिक कारण हो सकता है कि जो शॉर्ट सर्किट अंदर हुआ हो, जिसका कारण बनी है ये आग। ये चीजें देख सकते हैं कि काफी ज्यादा नुकसान जरूर नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि दुकान बंद थी। अंदर आप देख सकते हैं कि सामान है। सर आपकी दुकान है ये? नहीं, आपकी दुकान नहीं है। अच्छा, वैसे सर बंद थी, शटर बंद ही था? बंद था तो पड़ोसियों ने देखे ना। अच्छा, नीचे से धुआं वगैरह आया था? धुआं निकला ना रोशनदान से, तो देखा पड़ोसियों ने, फिर उन्होंने फोन किया, फिर हमने शटर काटा, शटर काट के इतने में बिल्कुल खत्म था। आग का कारण नहीं समझ आया? हां, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है कितना सामान है, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो भाई बता सकता है, उसकी तो सब बिल्कुल कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं इसमें से जा रहा है। कुछ नहीं, फुल पर रही थी दुकान, फुल पर रही थी दुकान, ये सारे सामान की और बल्कि वो बताएगा, वो भाई है उसकी दुकान है ना, वो सब बिल्कुल सही बताएगा उसको। अंदर से कोई भी सामान सही नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं बचा, ये आपके पास सामने पड़ा कुछ भी नहीं बचा। आपको सब कुछ जो है वो काला जरूर नजर आएगा, कुछ भी वगैरह जो सब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब, हाँ सब जल गया, वो फ्रिज वगैरह सब जल गया। आग कितने बजे लगी है यार? कुछ भी नहीं, 10-15 मिनट के अंदर काम हो गया था सारा। एक बार आप अंदर देख सकते हैं कि सारा सामान जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, पूरी दुकान आपको खाली नजर आएगी क्योंकि जो है बाहर जरूर निकाला गया है सारा सामान। अंदर अभी तक भी जो है वो गर्मी जरूर नजर आ रही है और किस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फायर ब्रिगेड के कर्मी हो, चाहे आप इनको देख सकते हैं कि सारा जो अंदर जला हुआ सामान है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे कॉपी किताबें हो, नीचे आप देख सकते हैं और अंदर जो और सामान था किराने की ये दुकान बताई जा रही है। अंदर अभी तक जो है वो महसूस किया जा सकता है कि कितनी जो है तेजी से आग लगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो बोर्ड नजर आ रहा है वो शायद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो है वो हो सकता है कारण। आप ऊपर देख सकते हैं कि वहां पर आपको नजर आएगा कि ये देखिए कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट जो है आजकल ज्यादातर कारण बन रहे हैं आग लगने का। जी हाँ, सबसे ज्यादा कारण जो है वो बन रहे हैं और अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। डायलेक्स 12 की गाड़ी भी मौके पर है और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी मौके पर है। आग पर काबू पा लिया गया और अंदर की जो पीओपी होती है जो छत के ऊपर की जाती है वो भी जो है वो टपकने लग रही है, नीचे गिर रही है और अंदर पूरी दुकान काली हो चुकी है। हालांकि आपको एक बार वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखा दे, जो अंदर फ्रिज आदि बताया जा रहा है वो सारा जो है जलकर खाक हो चुका है। जानकारी है कि जो यहाँ पर जिनकी दुकान है वो जरूर मौके पर पहुंचे हुए हैं। मालिक सर आप हैं? सर मालिक, सर सर क्या कुछ जानकारी लगी थी, कैसे आग लगी? मैडम मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और पार्ट टाइम में शॉप कर रहा था, तो मैं अभी ड्यूटी पे ही था, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो अभी फोन गया मेरे पास और संध के पास ड्यूटी थी, तो मैं वहाँ से अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी क्या हुआ। बंद थी सर, शटर भी बंद था? हाँ जी, शटर बंद था, लॉक हुआ था और शाम के टाइम में जॉब से आकर मैं खोल लेता था, तो अब मुझे कोई जानकारी नहीं अभी क्या हुआ। सर कितना सामान था अंदर, क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो 4-5 लाख रुपए का था मेरा। सारा ही जल गया है? सारा जी, आपके सब मैंने तो आगे जाके भी देखा अभी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं जो मौके पर है कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख जरूर है क्योंकि लाखों का सामान कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। एक बार आपको वहां से इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान वो भी दिखा दें कि किस तरीके से जो है ये भयंकर आग लगी। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी भी जो है मौके पर मौजूद है। आग पर काबू जरूर पाया गया, अंदर बताया जा रहा है जो फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो भी जलकर खाक हो चुका है। अगर ये आप देख सकते हैं कि जो अंदर सामान था यहाँ पर वो सब कुछ जो है वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुका है। ये फ्रिज की हालत आप देख सकते हैं, फ्रिज की हालत देखिए कि कितनी बुरी तरीके से, ये फ्रिज की मोटर आदि आपको नजर आ जाएगी कि पूरी तरीके से जल चुकी है। इन्वर्टर बताया जा रहा है कि वो भी जल चुका है। बस गनीमत ये रही कि जो शटर है, शटर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा गया है, उसके बाद अंदर आग पर काबू पाया गया है
और जो सामने से आपको नजर आ जाएगा जहाँ पर फ्यूज वगैरह लगाए होते हैं वो शायद जला हुआ है। हो सकता है कि ये जो लग रहा है प्राथमिक दृष्टि से कि आग का कारण भी शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। ऊपर तक आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल चुका है और अंदर जो करियाने का सामान है आप देख सकते हैं वो किस तरीके से जला हुआ नजर आ रहा है। चाहे चावल की बात हो, चाहिए आपको खाने पीने का जो सामान नजर आ रहा हो, और फ्रिज भी बुरी तरीके से जो है वो जल चुका है। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि जो फ्रिज है या फिर जो ये इन्वर्टर वगैरह इसके अंदर कोई चिंगारी आई हो, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण आग जो है वो भड़क जाती है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि जब आप अपना शटर आदि बंद कर या घर से भी बाहर जाते हैं तो फ्रिज और टीवी या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसको बंद कर जाएं, उसको बंद कर जाएं। हालांकि इस दुकान में कोई नहीं था, बताया जा रहा है शटर बंद था जिसके चलते बचाव जरूर हुआ है, लेकिन जो लाखों का सामान है वो यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। जी हाँ, लाखों का सामान, चाहे वो कॉपियाँ हो, चाहे अंदर खाने पीने का सामान हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे इन्वर्टर हो, और चाहे ये शेल्फ हो जिसके ऊपर सामान रखा गया था। एक बार जानकारी डायल 112 की टीम से भी ले लेंगे कि उनको क्या कुछ जानकारी लगी थी और उनका जो है इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सर, क्या कुछ जानकारी जो है आपको लगी थी और आग उस वक्त कैसी थी? बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। मैम, हमें सूचना मिली थी, मैं तब फार्म हाउस के सामने एक दुकान में आग लगी हुई है। हम जो सूचना मिली, हम थोड़े समय में मौके पे आ गए थे। मौके पे आए, आग पे काबू पा लिया गया है, और ओनर है जो इस दुकान में बंद पड़ी दुकान थी है, वो सुनने में आया है कि वो गैस टीचर लगा हुआ है, दुकान बंद थी, और अब उनको सूचना दे दी गई है। वो अपनी दुकान के पास मौके पे खड़े हैं, और अब कोई भारी दुकान में सारा नुकसान हो गया है, जल के राख हो गया है, और मौके पे किसी की जान को कोई नुकसान तो ऐसा जान को कोई नुकसान नहीं है। जो ये किराने और किताबों की दुकान बताई जा रही है, ये सामान जल गया है। तो फिलहाल देख सकते सर आपका नाम? सर मेरा नाम नरेश कुमार एसआई। तो आप देख सकते हैं नरेश जी थे और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है उन्हें जब जानकारी लगी तो जब जो है इस शटर को तोड़ा गया और किस तरीके से अंदर से जो है वो आग निकल रही थी। आप यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख सकते हैं, तमाम लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, और हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट जो है कारण रहा हो। डायल 112 की गाड़ी भी जानकारी है सर हमारे साथ। सर क्या जानकारी लगी थी? बहुत ज्यादा आग उस वक्त लगी हुई थी जब आप यहाँ पर पहुंचे। ये बंद थी दुकान जी, इसका कारण नहीं पता लगा कैसे लगी है। तो फिर क्या सर शटर तोड़कर अंदर तक पहुंच पाए? कैसे पहुंचे? शटर तोड़ के अंदर गए जी, बिल्कुल। तो सर कोई कारण नजर आ रहा है क्या? ये शॉर्ट सर्किट बिजली के कारण लग सका जी, वैसे तो कुछ है नहीं। वैसे तो आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड से यहाँ पर पहुंचे हुए, और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि शटर जो जिस तरीके से बंद था तो कारण यही हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी था, जो फ्रिज है, इन्वर्टर है, वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और जो दुकान जिनकी दुकान थी वो एक गेस्ट टीचर बताए जा रहे हैं, वो अपने जो है काम पर गए हुए थे जिसके बाद वो पहुंचे, और हालांकि उनकी हालत भी इतनी ज्यादा सही नहीं है, वो कुछ बोल भी सही तरीके से नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी के ऊपर इतना ज्यादा नुकसान जो है वो जरूर हो गया है। आपसे यहाँ पर अपील करना चाहेंगे कि जब आप अपने घर दुकान आदि से बाहर जाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि टीवी और टीवी हो, पंखा हो, बिजली का कोई स्विच हो, या फिर किसी भी तरीके की जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर आदि चीजें जो होती है उसको बंद कर जाए, या फिर जो है फ्यूज आदि जरूर होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से अगर चाहे लाइट ज्यादा आती है, कम आती है, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो आपके सामान को नुकसान ना पहुंचा सके। ये पूरी दुकान आप देख सकते हैं कि जलकर खाक हो चुकी है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के काछवा रोड से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से होगी अमन गोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।